अंडमान अर्थक्वेक जोन है, लैंडस्लाइड तो होता ही हर दिन, आप जानता होगा। उस एरिया में आपको प्रोटेक्शन वॉल बनाना था? ये तो 2005 में हम काउंसलर था, उसी टाइम बनाया वाला रोड है, फुटपाथ है, सारा करंट दिया हम लोग, पाइपलाइन दिया, फुटपाथ बनाया, रिटर्निंग वॉल बनाया, सारा इधर कम्प्लीट है, एकदम पस्ती है, ठीक ठाक है। अब ये हुआ बोलने से बहुत दुख का बात है। फिर से हम लोग जो है अभी इस वक्त में शादीपुर स्कूल में खड़े हुए हैं और यहाँ पे पूर्व सांसद विष्णुपद राय जी जो है इनसे मिलने के लिए आए, जितने भी डॉक्टर कॉलोनी के लोग थे जिन्हें जो है इस स्कूल में शिफ्ट किया गया, उनसे मिलने के लिए जो है विष्णुपद राय जी आए। चलिए देखते हैं यहाँ पे वो आके यहाँ के फैमिली मेम्बर से क्या बात कर रहे हैं और क्या आश्वासन दे रहे हैं। चलिए जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिन्हें यहाँ पे शिफ्ट किया गया है उनसे जो है विष्णुपद राय जी जो कि पूर्व सांसद है वो उनसे मिलके बात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी घटना स्थल पे जो है एक्स एमपी विष्णुपद राय जी जो है आए हुए हैं और ये जो घर है जो हमने आपको सवेरे दिखाया वो घर को जो है विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना जो है घर में डैमेज हुई है। चलिए देखते हैं। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे विष्णुपद राय जी आए हैं और एक एक घर पे जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको दिखाया एक्स एमपी विष्णुपद राय जी जो है डॉक्टर्स कॉलोनी के जितने भी परिवार थे जो शादीपुर स्कूल में थे तो उनसे मिलने के बाद में जो है वो परिवार से मिलने के बाद में उस घटना स्थल पर आया हुआ है। अभी जो है घटना स्थल पर आके घरों को देखे और जितने भी घर डैमेज हुए उसको सारा देखने के बाद में जो है अभी हम उनसे बात करेंगे ताकि मालूम हो सके कि इनके लिए जो ये परिवार है उनके लिए क्या क्या इनका तरफ से सुविधा दी जाएगी। तो सर सबसे पहले ये बताइए सर ये जो घटना है करीबन एक साल हो गए कोविड के टाइम पे हुआ था, उसके बाद में कई नेता लोग भी यहाँ पे ऑफिसर्स भी आए, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? देखो मैंने अभी सारा पॉइंट नोट किया, ये स्लाइडिंग कब शुरू हुआ, भारत सरकार रुपया दिया उसी का पैसा काउंसिल रोड बनाया, ये जो सेटलमेंट है बहुत पुराना सेटलमेंट है। कोरोना पीरियड में क्या हुआ जानकारी अभी सुना नोट किया मैंने, किया जानकारी मुझे नहीं था, आज मुझे फ़ोन किया था लेडी ने फ़ोन किया था सुन के, बाकी मैं संजय बालन जी को लेके आया। उनको लाने का मतलब क्या है, उनको सब्जेक्ट में जानकारी है और एमपी का पीरियड में मैं इनसे बहुत काम सीखा लॉ के बारे में, चिट्ठी के बारे में, ड्राफ्टिंग के बारे में, हम उनको लेके भी आया, उन्होंने नोट भी किया। अभी हम लोग इमिडिएटली एक व्हाट्सअप कर भी दे डी साहब को मैंने, ये कल टाइम तो मिलने मांगते, हम बात किया कॉन्ट्रेक्टर से ठेकेदारों से, उनसे पूछा किसका काम है, मतलब कोस्ट गार्ड का काम है, क्यों बना रहे हैं, हैंगर बनाएंगे, मतलब क्वार्टर कुछ बन भी रहा है, तो डिफेंस का काम करता है एम ई एस चीफ इंजीनियर को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कल चिट्ठी बना के हम टाइम लेंगे इन तीन चार लोग को लेकर जाएंगे जी, आपका वजह से हुआ क्योंकि आप जब काटी माटी काटेंगे, अंडमान अर्थक्वेक जोन है, लैंडस्लाइड तो होता ही हर दिन, आप जानता होगा, उस एरिया में आपको प्रोटेक्शन वॉल बनाना था। इसमें गलती किसका लग रहा है सर? प्रोटेक्शन वॉल बनाना था, जिन्होंने कोस्ट गार्ड काम लिया उसके टेक्निकल क्विंग चीफ इंजीनियर एमईएस इनको एक करना था, सुनिए उस पर हम लोग जो कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे कार्रवाई करेंगे, और साथ साथ में कल डीसी को अपॉइंटमेंट मांग रहा है, राइटिंग में एडमिनिस्ट्रेशन को दूंगा, चीफ इंजीनियर डिफेंस को एमईएस को मिलेगा, कोस्ट गार्ड को मिलूंगा, कोस्ट गार्ड चीफ को मिलूंगा, उसको पत्र देंगे उसको देखिए मांग करके कार्रवाई कोशिश करूंगा। जैसे कि इन लोग अपने पूरा प्रॉब्लम्स बताए आपको, उसके बाद में आपने बोला कि डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी किया, डीसी से बात भी किया, टाइम भी पूछे, और आगे
अंडमान प्रशासन से, क्या आप उनसे भी मिलेंगे चीफ सेक्रेटरी या एलजी से इस विषय पे? इस मुद्दा में जहाँ आज हमें जाना है थोड़ा बहुत मैं जानता है कहाँ कहाँ पहुँचना है। कई साल से एमपी भी है तो आपको पता भी है कि कहाँ पे किसको अप्रोच करने से इनका काम होगा। अब वो अभी आज मात खोलो, सुनो, देखते हैं कि क्या होता है, सुनो, क्योंकि एमएस का साथ में एमएस का बड़ा ब्लैंडर है। सुनो, एमएस जब काम लिया उसका टेक्निकल विंग का कोई फॉल्ट रहा, अर्थ को एक जोन में एक फ्लॉट सा है, फुटपाथ सा है, आपका काम का वजह से स्लाइडिंग हुआ, आप तो कुछ कारण नहीं है, तो आप इंटरमीडिएंसी, आप बोलो क्या करेगा। इसको लेके कोशिश करूँगा उनको मिलने के लिए, बात करने के लिए, बाकी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को मिलूँगा, बात करूँगा। सर आखिरी बात ही, बात ठीक से नहीं होने से फिर थोड़ा बहुत हमको जानकारी है, आगे प्रोसेस करेंगे। आखिरी सर, जैसे कि कई महीनों से जो है ये इन लोग बता रहे थे कि कोविड के टाइम में घर टूटने लगे थे, पहले 4 घर घर टूटे, उसके बाद में धीरे धीरे बाकी घर भी टूटने लगे। वैसे में इन लोग छोड़ के इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है एंक्रोचमेंट है, अगर ये छोड़ के जाएंगे तो इनको घर नहीं मिलेंगे, ज़मीन नहीं मिलेंगे, इस चक्कर में जो है इन लोग टूटे वाले घर पर भी थे। तो वैसे में आप कई साल से जो है एमपी भी अंडमान के रह चुके हैं, क्या लग रहा है कि एंक्रोचमेंट लैंड में इनको कुछ रिलीफ मिल सकते हैं? अभी देखो एडमिनिस्ट्रेशन को तो लिखूंगा जी, इनको एक तो उनका फर्स्ट काम है बर्न रिटेनिंग वॉल बनाए, फर्स्ट काम है वो, कुछ कंपनसेशन दे इन घर वाला को, कोस्ट गार्ड एंड एमएस इंजीनियर, उसको फर्स्ट जवाब दे मैं करने की कोशिश करूँगा, ये करूँगा, साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प लूँगा जो आप क्या कर सकते हैं, असिस्टेंस क्या दे सकते हैं, क्योंकि ये सब इंडियन सिटीजन्स है, म्यूनिसिपल इनको घर बनाने को प्रॉपर्टी टैक्स लेता है, पीने का पानी का पैसा लेता है, ये फुटपाथ बनाया म्यूनिसिपल काउंसिल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रुपया एडमिशन रुपया काउंसिल को दिया, सही है कि नहीं? और म्यूनिसिपल काउंसिल का प्रोजेक्ट ड्राफ्ट प्लान एडमिशन को मिला, प्लान बुक उनको मिला, तो एडमिशन सब जानता है कौन जगह बना रहा है, बनाता है। तो अगर आपका ये कहना है कि सर वो मैटर को मैं उठाऊंगा नहीं, अभी किस तरह से उनको मदद मिले उसकी कोशिश करूँगा बस। और मैं एमपी भी नहीं है, सुनो छोटा मोटा वादा करूँगा, एमपी होने से कुछ बात दूसरा था, अभी बात थोड़ा प्यार से करें। मगर आप लोग, आपको ऊपर में इन लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, ये भी हम लोग देखे कि एमपी साहब भी जो है हमारा न्यूज़ आने के बाद में 8-9 महीना पहले एमपी साहब भी विजिट किए थे दूसरे दिन ही, और हमें भी बुलाया था वहाँ पे, और उससे ज़्यादा उम्मीद आपसे लग रहा है इनको, तो वैसे में क्या है आप इनका उम्मीद में खड़ा हो गया? नहीं देखो सुनो, वो प्रेजेंट एमपी साहब जो करे करे, मुझे कोई शिकायत नहीं, जनता उनको चुना, वो अपना काम करे, इसको उठाए, सारा उसको जानता है, प्रोसीडियर पार्लियामेंट प्रोसीडियर जानता है, प्रोसीडियर एडमिनिस्ट्रेशन जानता है, वो करे, आम अपना जो काम है मैं जरूर करूँगा, थैंक यू, साथ में लेके करूँगा, कभी उनको दूंगा, थैंक यू सर। एमपी को एडवाइस नहीं कर सकता, अभी उत्तरामन से नाता मेरा बहुत पुराना है, आपको मैं देखता मीटिंग में, वर्तमान काउंसिलर है मुत्तुरामन जी और उनका धनपति प्रेजेंट काउंसिलर ने, बढ़ता मैडम ने पूरा परिवार को व्यवस्था किया, रहने का, खाने का, पीने के पानी का, वो एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, ऐसा काउंसलर सब जगह रहे, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। अभी उनसे पूछो, 12 नंबर के जो काउंसलर मैडम है वो भी हमारे साथ में, उनसे भी जानते कि एक घटना जब हुआ तो उसके बाद में इनका तरफ से भी काफ़ी मदद इनको पहुँचाए थे, खाना पहुँचाना हो, जो भी हेल्प है, डॉक्टर कॉलोनी के जो भी लोग वहाँ पे शेल्टर में हैं उनको काफ़ी मदद किया, तो उनसे भी जानते कि इनका तरफ से। और आगे मैडम सीधा एक बात पूछना चाहेंगे, हम ये सवाल आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि आप एक काउंसलर हैं, तो ये जैसा ये रोड जो फुटपाथ है आपके टाइम पे बने हैं, तो उस हम आपसे वही उस पे जाते हैं कि एक प्लान जब पास होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में ही एक प्रोजेक्ट पास होता है, ये अगर आप एक कल्वर्ट बनाए तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में रह के ही बनाए, तो वैसे में ये जब मालूम था कि ये यहाँ पे जो है एंक्रोचमेंट था, तो वैसे में अगर ये बनाया है तो कहीं ना कहीं अभी ये टूटने पर प्रशासन को उनको मदद करना चाहिए कि नहीं, बताइए? करना चाहिए सर, और पहले ये लोग को धन्यवाद दे देता हूँ, ऑनरेबल एमबी साहब, एक्स एमबी साहब और एक्स जंजय बालन जी और आए सभी को, ये यहाँ रहने वाला सभी को धन्यवाद देती हूँ पहले। और ये तो आज का नहीं है, ये तो 2005 में हम काउंसलर था, उसी टाइम बनाया वाला रोड फुटपाथ सारा, करंट दिया हम लोग, पाइपलाइन दिया, फुटपाथ बनाया, ट्रेन रिटर्निंग वॉल बनाया, सारा इधर कम्प्लीट है, एकदम पस्ती टिक टाक है। अभी ये हुआ बोलने से बहुत दुख का बात है,
ये रिटर्निंग वॉल, ये तो एयरपोर्ट का वजह से, ये मट्टी काटने की वजह से ये इसका नुकसान हुआ था। ये बस्ती वाला सोचा नहीं, इस तरह जाएगा हम लोग का, इधर से हट जाएगा, इस तरह दुख का बात से रहेगा, ऐसा करके कोई सोचा नहीं। इतना टिक टाक से सभी रहता था। ये कोरोना का वजह से बड़ा दुख है जी। मैडम कहीं ना कहीं उनका यादें यहाँ से जुड़े हुए हैं और कई वर्षों से यहाँ पे उन लोग रह रहे हैं, तो उन लोग भी नहीं चाहते कि ये ज़मीन छोड़ के उन लोग जाएंगे यहाँ से। तो वैसे में प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर ये तो छोड़ के कैसे जाएगा ये लोग? बड़ा बड़ा मॉल में रहता, पट्टा जमीन में रहता, उस लोग तो अलग है। उन लोग को तो वैल्यूएशन गवर्नमेंट बना कर रखा है, उन लोग वैल्यूएशन करेगा, अपना वैल्यूएशन से कोर्ट में जाएगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, वैल्यूएशन से कोर्ट में जाएगा, ये लोग कैसे जाएगा? करीब कौन सा वैल्यूएशन है? हम लोग तो लड़ना पड़ता गवर्नमेंट से, हम लोग तो लड़ना है। आखिरी तक इनके साथ खड़ा रहेंगे क्योंकि आप यहाँ के काउंसलर हैं? क्यों नहीं खड़ा रहेगा? हम लोग को तो वही डरना क्या नहीं है, क्या उन लोग को कुछ तो सोल्यूशन मिलना चाहिए। ये लोग को दुख का बात है, इतना दिन 5 दिन हो गया स्कूल में रहता है बच्चा लोग के, करंट गए कैसे भी, करंट पानी तो रहते रहने से भी उधर में बाथरूम में इतना दूर जाना पड़ता है, रात को बच्चा लोग सोता है, एक आदमी आ रहा है एक्स्ट्रा एडिशनल में लेके जाना पड़ता है, एक लोग तो नहीं जा सकता, कितना दिन रह सकता, गवर्नमेंट तो सोचना है कुछ। आखिरी में आप हमारे चैनल के माध्यम से अंडमान प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? ये तो कैसे भी उन लोग का कुछ सोल्यूशन चाहिए, अल्टरनेटिव शेल्टर पहले वही करना चाहिए, उसका बात वो लोग अपना काम करेंगे, अपना खाना वाना बनाएंगे, अपना रहेंगे। इसलिए हम लोग को अभी 5 दिन से हम लोग का हाथ से खाना देता है, 3 टाइम हम लोग को होटल से लेके देता, 1 दिन का 10,000 आता है, वो गवर्नमेंट देगा नहीं देगा वो अलग बात है, वो करते रहेंगे कितना दिन वो लोग रहेगा, गवर्नमेंट कब वो लोग का सोल्यूशन करेगा, उसका बात तो हम लोग का क्लियर होने से तो छोड़ सकता, नहीं तो नहीं छोड़ सकता, कैसे छोड़ेंगे। ये थे काउंसलर और एक्स एमपी साहब से बात करें ताकि यहाँ मालूम पड़ सके कि यहाँ से इनका तरफ से क्या स्टेप उठाया जाएगा। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।